हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइडियाज़। आई एम दानिश जमील। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ वेवफॉर्म्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेवफॉर्म्स, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को ये भी दिक्कत आती होगी कि आखिर वेवफॉर्म बनाते कैसे हैं, वेवफॉर्म होता क्या है, इसे किस तरीके से बनाते हैं। बहुत सारे दोस्तों से ऐसी प्रॉब्लम भी आती होगी कि बनता ही नहीं होगा, वो बहुत कोशिश करते होंगे समझने की लेकिन समझ नहीं आता होगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से किसी भी सर्किट का वेवफॉर्म बना सकते हैं, मैं ये आपको बताऊँगा। दोस्तों, सिर्फ आप मेरा साथ देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा। दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं बात करता हूँ वेवफॉर्म्स के बारे में, और जो नए दोस्त, जो नए फ्रेंड्स हैं मेरे, जो पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे तो मैं ये बोलूँगा कि वो ज़रूर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईजी ट्रिक में सारे चीज़ों को बताता हूँ। और वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो उनको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए और वो सबसे पहले देख सकें और इजी ट्रिक को जान सकें और कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या फिर कैसे किस तरीके से किसी चीज़ को पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं वेवफॉर्म्स की तरफ पढ़ता हूँ। दोस्तों, मैंने एक सिंपल सा सर्किट लिया है थायरिस्टर और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। हमने क्या किया है, इसे हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर भी बोलते हैं इसे हम लोग, आर के अक्रॉस में, आर लोड के अक्रॉस में। दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ, एक थायरिस्टर लिया हूँ, एक आर लोड रेजिस्टेंस लिया हूँ। यहाँ पर जो हमारा वी नॉट है, ये शो कर रहा है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज है, और यहाँ जो हमारा आई नॉट है, ये हमारा क्या शो कर रहा है कि हमारा आउटपुट करंट है। और यहाँ पर हमने जो सोर्स वोल्टेज लिया है वो क्या लिया है दोस्तों, वी एम साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर थायरिस्टर टी एच हमने लिया है, और इसके अक्रॉस में वोल्टेज है वी टी एच। इसकी पोलैरिटी अगर हम देख लें तो हमारा क्या है, ये जो है वो पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये हमारा पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अगर लोड की अगर बात कर लें तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल है लोड के। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वेवफॉर्म की ड्रॉ करेंगे। तो वेवफॉर्म ड्रॉ कैसे करते हैं, मैं दोस्तों एक तरीका आपको बताऊंगा कि उस तरीके में आपको किस किस स्टेप के बाद किसको लेना है और किसके बाद किसकी वेवफॉर्म को बनाना है। उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो किसी भी सर्किट के वेवफॉर्म को आप ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको क्या करना है कि एक आपको करना है कि जो हमारा सोर्स है, जो हमारा हमने जो सोर्स अप्लाई किया है, वोल्टेज सोर्स जो हमने अप्लाई किया है, उस वोल्टेज सोर्स की ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले वेव बनाएंगे। तो अगर वोल्टेज सोर्स की अगर वेव की बात करें तो हमारा ये क्या है, हमारा हमने क्या लिया है, वी एम साइन ओमेगा टी लिया। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, तो हमने वी एम साइन ओमेगा मतलब कि साइनोसोडियल हमारा इनपुट वोल्टेज जो हमारा वो क्या है, साइनोसोडियल है। तो हमने क्या बनाया, साइनोसोडियल एक वेव बनाया, ठीक है, साइनोसोडियल वेव बनाया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक अल्फ़ा एंगल के बाद कुछ एंगल ऐसा होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगरिंग करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि थायरिस्टर के पास तीन टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और एक गेट। गेट को हम लोग क्या करना पड़ता है, ट्रिगर करना पड़ता है। जब तक हम गेट पे सप्लाई नहीं देते हैं तब तक हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन के कंडीशन पे नहीं होता है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव और निगेटिव के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेट टर्मिनल पर भी वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कि उसके बाद इस वी एस के बाद क्या करना है, गेट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करना है। उस वोल्टेज अप्लाई करना है तो वोल्टेज जो हमारा होगा वो कुछ अल्फ़ा एंगल के बाद होता है। जैसे कि दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे ही हमने क्या किया कि पॉजिटिव दिया और नेगेटिव दिया और हमने तुरंत दे दिया, कुछ अल्फ़ा एंगल के बाद हम लोग गेट की ट्रिगरिंग करते हैं। तो जस्ट सपोज दैट हमने ये माना कि हमारा अल्फ़ा एंगल कितना है, हमारा ये जो है ये हमारा क्या है, अल्फ़ा एंगल है। इस पॉइंट के बाद हमारा क्या है, अल्फ़ा एंगल है। अल्फ़ा एंगल के बाद हमने क्या किया, गेट को ट्रिगर किया। जैसे ही मैंने गेट को ट्रिगर किया, हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन की कंडीशन पे होगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा कि हर एक पॉइंट से हमारा एक डॉटेड लाइन लेना होगा, और हर एक जीरो पॉइंट वाले से डॉटेड लाइन लेना होगा, और फिर हमारा यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन, और एक अगला पॉजिटिव साइकिल से भी हमारा एक डॉटेड लाइन लेंगे अल्फ़ा एंगल के लिए, और ये डॉटेड लाइन लेंगे हमारा जीरो पॉइंट से। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पाई कहलाएगा, ये टू पाई कहलाएगा, हर एक पाई, टू पाई, थ्री पाई से हमें एक डॉटेड लाइन लेना है, और एक अल्फ़ा एंगल जहाँ पर से हम गेट ट्रिगरिंग करेंगे उस एंगल के से हमारा भी एक डॉटेड लाइन लेना है, ताकि हमें ड्रॉ करने में ईजी हो जाए। सब दूसरा काम ये करना है। उसके बाद आपको इस अल्फ़ा एंगल के बाद गेट ट्रिगरिंग करना है, यानी गेट को पल्स अप्लाई करना है।
है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर गेट को पल्स अप्लाई किए। जैसे ही आपने गेट को पल्स अप्लाई किया, जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसको पॉजिटिव टर्मिनल दिए, इसको निगेटिव टर्मिनल दिया, और गेट को जैसे ही ट्रिगर किए तो हमारा क्या होता था, थायरिस्टर टर्न ऑन के कंडीशन पर होता था। जैसे हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ, मतलब क्या हुआ कि हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जो हमारा यहाँ पर वी नॉट है वो कुछ ना कुछ वोल्टेज उसकी होगी। तो अब वोल्टेज का जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। देखिए क्या था, जब तक हम गेट को ट्रिगर नहीं किए तब तक हमें आउटपुट वोल्टेज मिल नहीं रहा था। जैसे हमने गेट को ट्रिगर किया, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज मिला। तो जैसे क्या था, हमने गेट को ट्रिगर कब किया, इस अल्फा एंगल के बाद, मतलब कि इस अल्फा एंगल से पहले हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से शो किया, क्योंकि गेट तो पहले ट्रिगर हुआ नहीं था, इसलिए पहले का वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि पहले वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। और जैसे ही मैंने अल्फा एंगल दिया, हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो हमारा क्या होगा, इसी इसके बाद जहाँ तक कि इसका पीक होगा वोल्टेज का, इसका गेट का ट्रिगरिंग का, उस पीक से ही हमारा वोल्टेज इस पीक के मैक्सिमम से इसका मैक्सिमम जाएगा, इससे मिलता हुआ मैक्सिमम आएगा। मैंने बिल्कुल अटैच किया, मतलब जितना मैक पीक इसका है मैंने उतना ही पीक इसका भी लिया है। तो दोस्तों इसी के पीक से आपको मिलाना है शेप में, और आएगा आपका कहाँ तक, ज़ीरो तक आ जाएगा। जैसे ही ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल ज़ीरो होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा ज़ीरो, तो हमारा वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाएगा। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल पे आएगा, जैसे ही हमारा सोर्स, जो हमारा सोर्स वोल्टेज है वो नेगेटिव हाफ साइकिल पे होगा, तो हमारा थायरिस्टर कैसा हो जाएगा, रिवर्स कंडीशन पे हो जाएगा, रिवर्स कंडीशन पे हो जाएगा। जब हमारा रिवर्स कंडीशन पे हुआ, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि थायरिस्टर हमेशा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे वर्क करता है, रिवर्स पे वर्क नहीं करता है। जब हमारा फॉरवर्ड था तब तक हमें वोल्टेज मिला आउटपुट वोल्टेज, और फिर हमारा जैसे ही रिवर्स पर हुआ हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर से आएगा, फिर से गेट ट्रिगरिंग के अल्फ़ा एंगल के बाद ये हमारा ज़ीरो वाला था लाइन, और ये हमारा अल्फ़ा एंगल के बाद क्या होगा, फिर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और अल्फ़ा एंगल से पहले हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये जो गेट के बाद हम जो देख गेट के पास गेट के बाद जो हमारा जो ये पीक मिल रहा था, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था, इस इतनी यहाँ से लेकर कि इसकी वैल्यूज हमारा होगी VM साइन अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा एंगल के बाद हम कर रहे हैं, अल्फ़ा एंगल के बाद कर रहे हैं, इसलिए VM साइन अल्फ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो टोटल पीक होगा, जो हमारा ये होगा, ये हमारा जो टोटल पीक होगा, ये हमारा जो टोटल पीक होगा वो कितना होगा, VM होगा, क्या होगा, VM होगा हमारा, है ना। टोटल पीक जो मैक्सिमम पीक हमारा क्या होगा, ये VM होगा, ठीक है, VM हो गया। यहाँ से आप भी देख सकते हैं ज़ीरो है, 2π है, और फिर इसका जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये 2π प्लस अल्फ़ा, क्योंकि ये 2π और ये अल्फ़ा एंगल, यानी कि जोड़ देंगे तो हमारा ये मिलेगा 2π अल्फ़ा। जैसे ही हमारा आउटपुट वोल्टेज का ड्रॉ हो गया हमारा ग्राफ, अब करना है आपको कि आउटपुट करंट हमें क्या मिला। सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट वोल्टेज दिया, इनपुट वोल्टेज का वेव बनाया, उसके बाद गेट ट्रिगरिंग का, जो हमने गेट ट्रिगरिंग का करंट था उसको हमने बनाया, उसके बाद हमने आउटपुट वोल्टेज बनाया। जस्ट इसके बाद आपको करना है कि आउटपुट करंट का बनाना है, आउटपुट करंट क्या मिलेगा हमें, कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं हम लोग कि जैसे ही हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अल्फ़ा एंगल के बाद हमारा जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल है और अल्फ़ा एंगल के बाद हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा थायरिस्टर कंडक्शन मोड पे होगा, जैसे ही कंडक्शन मोड पे होगा तो हमारा करंट यहाँ से फ्लो करता रहेगा, यह फ्लो होता रहेगा जैसे जब तक ये कंडक्शन मोड पे रहेगा, और कंडक्शन मोड पे तब रहेगा जब हमारा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पे होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल पे कंडक्शन मोड पे नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल पे ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है और आफ्टर अल्फ़ा एंगल के बाद हमारा करंट का कंडक्शन मिलेगा, जब करंट का कंडक्शन हमें मिला और क्या हुआ, एक टाइम पे ये भी ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही हमारा यहाँ पर इसका ग्राफ जैसे ज़ीरो होगा, इनपुट का जो वेव होगा जैसे ज़ीरो होगा, उसी तरीके से हमारा आउटपुट करंट का भी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा कि थायरिस्टर रिवर्स बायस में चला जाएगा, तो हमारा करंट भी रिवर्स बायस में ज़ीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। अगर हहम लोग इसके अक्रॉस में अगर एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिए होते तो हमारा रिवर्स बायस में भी करंट मिलता। क्यों? क्योंकि जब हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ की कंडीशन में होता रिवर्स बायस में, तो हमारा करंट का कंडक्शन किसके थ्रू होता है, इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू होता है। लेकिन अभी हमने सिंपल एक लिया है, समझने के लिए लिया है। तो दोस्तों मैं अभी सिर्फ इस थायरिस्टर के अक्रॉस में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जो आउटपुट करंट होगा वो क्या हो जाएगा कि फॉरवर्ड बायस में मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल पे मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा थायरिस्टर उस वक्त टर्न ऑफ की कंडीशन पर
होगा। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा एक और पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, एक और पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा आया, तो फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल पे अल्फा एंगल के बाद हमें फिर से कंडक्शन मिला, फिर से रिवर्स बायस होगा तो फिर हमारा जीरो होगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर हुआ था। जब हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट करंट हो गया, तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके अक्रॉस में वोल्टेज जो हमारा VTH है। जब हमारा थायरिस्टर का जब हमारा कंडक्शन हो रहा है, तो उस वक्त कुछ ना कुछ थायरिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज होगा, होगा कि नहीं होगा दोस्तों? तो होगा। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा, उसके अक्रॉस में वोल्टेज का हमारा वेवफॉर्म्स क्या होंगे वो बनाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा थायरिस्टर कंडक्शन मोड पर होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, तब हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। जैसे ही हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ की कंडीशन में होता है, जो उसका वोल्ट तब क्या होता है कि थायरिस्टर के अक्रॉस पर हमें वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों जैसे ही हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ की कंडीशन में होगा, टर्न ऑफ की कंडीशन में कब होगा, अल्फा एंगल से पहले, जब हम ट्रिगरिंग करेंगे उससे पहले हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ की कंडीशन पे होगा, तो हमारा क्या होगा, थायरिस्टर के अक्रॉस ये वोल्टेज मिलेगा। फिर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे, तो हमारा थायरिस्टर के बाद हमें क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, थायरिस्टर टर्न ऑन की कंडीशन में हो जाएगा। जैसे ही हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन की कंडीशन पे होगा, तो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा हमारा जीरो। तो हमारा जीरो हो गया, तो ये सडनली जीरो नीचे आएगा और जीरो पे हो जाएगा। जैसे ही जीरो हुआ, उसके बाद जैसे ही हमारा थायरिस्टर रिवर्स बायस में गया, यानी कि थायरिस्टर टर्न ऑफ की कंडीशन पे हुआ, तो हमारा क्या मिलेगा, थायरिस्टर के अक्रॉस फुल वोल्टेज मिलेगा। तो थायरिस्टर के अक्रॉस फुल वोल्टेज क्या मिलेगा, पूरा का पूरा वेव मिलेगा। पूरा का पूरा ये क्या मिलेगा दोस्तों, वेव मिलेगा। जैसे ये पूरा पूरा वेव मिला, तो ये क्या होगा, माइनस VM होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल पे, इसलिए माइनस VM होगा। पूरा का पूरा फुल वोल्टेज किस पे होगा, थायरिस्टर के अक्रॉस होगा। उसके बाद क्या होगा कि इस जीरो पॉइंट के बाद हमने क्या किया है, जीरो पॉइंट के बाद अल्फा एंगल जो है, अल्फा तक हमें आउटपुट वोल्टेज सॉरी अल्फा अल्फा तक हमें क्या मिलेगा, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि जब भी हम वोल्टेज ट्रिगरिंग करेंगे वो तो अल्फा के बाद करेंगे, जब अल्फा के बाद करेंगे तभी तो हमारा अल्फा के बाद ही तो हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन की कंडीशन पे होगा, उससे पहले तो हमारा टर्न ऑफ की कंडीशन पे होगा। जब टर्न ऑफ की कंडीशन में है, तो फिर अल्फा तक हमारा क्या होगा, हमें थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन की कंडीशन पे होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे होगा, तो हमारा थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा फिर से जीरो हो जाएगा। फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल पे हमें मिलेगा, फिर से आगे हो जाकर के फिर वैसे ही हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक तरीका है बनाने का, कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सप्लाई वोल्टेज लेना है कि हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है, फिर उसके बाद हमें लेना है कि गेट ट्रिगरिंग का करंट क्या है, गेट करंट लेना है, फिर हमें बनाना है आउटपुट वोल्टेज का, फिर हमें बनाना है आउटपुट करंट का, फिर हमें बनाना है थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। ये दोस्तों एक सिंपल सा सर्किट लेकर मैंने आपको समझाया। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ भी बनाएं, हम एक क्या करें कि एक इंडक्टर लोड के साथ हमारा वेवफॉर्म कैसा होगा, अगर आपको ये जानना है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके करें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बोलें, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगा दोस्तों। तो ये एक तरीका है, आप कोशिश कीजिएगा इस तरीके से बनाने का, इस तरीके से मतलब कि करंट कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे हमें वेवफॉर्म्स मिलेगी, कोशिश कीजिएगा दोस्तों इस तरीके से बनाने का, कि पहले इनपुट वोल्टेज लें, फिर गेट को ट्रिगर करें, फिर आउटपुट वोल्टेज लें, फिर आउटपुट करंट लें, फिर VTH यानी कि हमारा थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाएं, तो दोस्तों ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ समझ में आया और सीखने को कुछ मिला हो, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।